हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे एक अनबॉक्सिंग, वो भी वॉल क्लॉक की। और ये हमें गिफ्ट आया है। वैसे तो मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा कि ये हमें कहां से आया है। तो फटाफट से पहले हम इसको खोल लेते हैं और फिर आपसे पूछते भी हैं कि हमारे घर में ये कहां लगानी चाहिए हमें, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता चल रहा है कि हम ये कहां लगाएं। तो एक बार पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स ने इसको ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। Amazing, क्या बात है। ओके, तो ये इसकी लुक तो बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है इसमें टेप ये लगा रखी है इन लोगों ने, तो मुझे कट करना पड़ेगा। दिस इज गोल्डन कलर वॉल क्लॉक। पहले मैं इस सेलो टेप को भी कट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा सेफ्टी मेजर के साथ भेजा है। ये देखिए, यहाँ से भी इसको कट कर लेता हूँ। ये फोम निकाल लेता हूँ सबसे पहले। बहुत ही क्लासिक लुक के साथ है ये, इसको देख के ही मजा आ रहा है। काफी अच्छा मटेरियल है ये। ओह, आई थिंक एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अच्छे से निकल गया है ये पूरा का पूरा। सो 12 और 6, मैंने सही होल्ड किया ना, 12 ऊपर 6 नीचे। सो गाइस, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है कि हमें इसको अपने घर में कहाँ लगानी चाहिए। बहुत ही क्लासिक लग रही है। सो दो तीन वॉल्स के ऑप्शन तो हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1, बट ये डोर के पीछे जा रहा है, सो आई डोंट थिंक कि ये तो कोई भी एग्री नहीं करेगा। पहले हमने यहाँ का सोचा था एक बार के लिए। एक बार संगी डिस्टेंस लुक देखना कैसा लग रहा है। गो एंड चेक फ्रॉम किचन, हाउ इज दिस लुक। क्योंकि स्टॉपर लगा है डोर के पीछे, तो डोर तो नहीं लगेगा इसमें। डोर नहीं लगेगा, बट कोई बात नहीं, दिस इज आवर ऑप्शन नंबर 1। एक उधर। और सेकेंड ऑप्शन ये वाला मैं एक बार चेक करता हूँ क्या यहाँ पॉसिबल है। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि पूरा ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन ही नहीं है, दिस इज नॉट द ऑप्शन इवन। सो ये जो संगी की फेवरेट वॉल है, ये ऑप्शन है। इसको तुम डिस्टेंस एक बार चेक करो, डू यू थिंक कि यहाँ पर लगाया जा सकता है। सो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं लगा के संगी की फेवरेट वॉल, जहाँ पर उसके नए सोफे के साथ कुछ और प्लान है। तो एक बार बताओ कि अगर यहाँ कैसा लग रहा है। मैंने सेंटर में रखा है कि नहीं। थोड़ा और ऊपर कर, और इसको और थोड़ा ऊपर भी करना चाहेंगे। थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। इधर से उधर को 3 वाली साइड घुमाओ, ऊपर करो, ऊपर ऊपर। वैसे यही अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर कि यहाँ पर एंट्रेंस तो बहुत अच्छा लगेगा घर में घुसते ही। और कोई वॉल्स है कि मुझे लगता है कि वहाँ पर भी नहीं आ पाए उस दरवाजे के ऊपर, तो इस दरवाजे के ऊपर भी नहीं आए दरवाजे। और इसके बीच में अगर, और अगर हम इन दोनों के बीच में लगाएं, तो थर्ड ऑप्शन ये भी एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है। अच्छा लग रहा है ये। या बिकॉज ऐसे दोनों चीज वहाँ पे भी लग सकता है, बट हमने वहाँ बेल लगवाई है क्योंकि वो हर तरफ से दिखेगा। बट ये ऑप्शन भी मुझे प्यारा लग रहा है, है ना? हाँ। कैसा लग रहा है? थोड़ा टीवी कैबिनेट के साथ देखो वहाँ पे सोफे से। यहाँ से ऐसे और सोफे पे बैठ के कैसा लुक आ रहा है? अगर सोफे पे बैठते हैं तो यहाँ से ऐसे आएगा। और अगर मैं संगी तुमको एक फोर्थ ऑप्शन भी दूँ दरवाजे के पीछे है भले ही, लेकिन स्टॉपर है तो दरवाजा प्रॉब्लम नहीं करेगा। नहीं, वैसे नीचे अगर करो, नहीं फिर अगर डोर खुला हुआ है ना उसमें, डोर अगर ओपन भी होता है तो आई टेल यू ये टच नहीं होना चाहिए। वैसे सेंसिटिव जगह है वो ना, वो नहीं लग रहा वो स्टॉपर है। हाँ, नहीं लग रहा, बट मजा नहीं आ रहा वहाँ पे। ओके, या तो वो जगह ही ठीक है, वो वाली कैबिनेट के ऊपर, टीवी कैबिनेट के ऊपर, या फिर यहाँ पे
और कोई नहीं है ना यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता आएगा। जब वहाँ डोर से नहीं आ पाया तो ये भी यहाँ से नहीं, नहीं आता, सेम स्पेस है जैसे डोर का स्पेस था। अगर ये बेल नहीं होती तो यहाँ लग सकता था, बट नहीं हो सकता, वैसे वही ऑप्शन अच्छा लग रहा है। सो गाइस, ये घड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी है और ये हमें घड़ी दी है गौतम परिवार ने, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम परिवार, मेरी तरफ से भी शुक्रिया। सो मैंने आपको 3-4 ऑप्शन दिखाए हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है आप अपना बेस्ट ऑप्शन मुझे कमेंट करके बताओ कि ये घड़ी सबसे ज्यादा अच्छी कहाँ लग रही है, और अगर आपके पास कोई और नया ऑप्शन है तो वो भी बताओ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आने वाले टाइम में दिखाऊंगा फाइनली ये घड़ी कहाँ लग रही है, जहाँ बेस्ट ऑप्शन लगेगा वहाँ लगाएंगे। सब्सक्राइब कर लो फटाफट इस चैनल को, ये भाई साहब बहुत सारे रिव्यूज देंगे आगे आने वाले टाइम में। ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीरेंद्र रोशन, गुड बाय।